अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 15 दिसंबर और आज हम लोग जा रहे हैं भाई लुवांग प्रबांग छोड़ के वांग बियांग। और वांग बियांग के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज प्लान किया हुआ है हमने। सरप्राइज मतलब इसलिए क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि ये हम करने वाले हैं। अभी मतलब टैक्सी वैक्सी लेने आएगी, हमने सब बैग पैक करके रख दिया अपने। टैक्सी आएगी उसके बाद मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे लगते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज रात तक शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से अभी एक वीडियो ट्रेन वाला हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर अपन उस जगह का वीडियो बनाऊंगा मैं जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं या फिर जो चीज़ देखने जा रहे हैं। और भाई ये वाला हॉस्टल वैसे तो बहुत अच्छा था, ठीक था एक तरह से, लेकिन ज़्यादा दिन रहने के हिसाब से सस्ता था इसलिए हम रह पाए, वरना फिर ज़्यादा दिन रह नहीं पाते एक जगह पर। और इसके अलावा मेरे ख्याल से हमने कितने पैसे स्पेंड करे होंगे यहाँ पे हर दिन 55,000 के हिसाब से, और 6-7 दिन हम लोग रहे यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ पे कॉफ़ी पीने, नाश्ता करने, कि 1 बज रहा है अभी, 2 बजे तक फिर निकलना है, 2:30 बजे टैक्सी आएगी। ये है अपने बैग यहाँ पे रखे हुए, अब चलते हैं यहाँ से। और हाँ भाई, हमने पे किया है वांग वियांग के लिए, वहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन का 200,000। यहाँ पे वो टैक्सी लेने आएगी, वहाँ पे छोड़ेगी, फिर देखते हैं वहाँ से क्या होता है। चलो भाई, हाँ तो हाँ टिकट तो मिली गई है, ये देखो अभी टिकट मिली हमको जस्ट। यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी है, पासपोर्ट की डिटेल तो है पर फ़ोटो भी है इसमें, लेकिन सही है टिकट। देखते हैं यार, ये वाली टिकट अच्छी लग रही है देखने में, कलेक्शन में रख सकते हैं। वो भाई को ढूंढना है कहाँ गया है कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ यार ये ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी हम लोग गए थे लेकिन ठीक था खाना, मतलब डोसा वगैरह बढ़िया खाया था हमने यहाँ पे, लेकिन अब बार बार इंडियन नहीं खाना इसलिए फिर थाई रेस्टोरेंट में जाने लगे। लेकिन आज ये कुछ अलग ही रेस्टोरेंट में आया है भाई कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ बैठा हुआ मिल गया भाई हर्षा भाई, क्या खा रहे हैं, व्हाट इज दैट, बट व्हाट इज दिस, भाई ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड फैमिली बेकरी, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने मंगाई वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेन क्रोसा है, फिर उसके बाद में एप्पल क्रोसा है, वो भी ख़त्म, और फिर अभी चॉकलेट डोनट लेना पड़ा। बाकी कॉफ़ी तो अभी अभी पी के आया मैं इसलिए कॉफ़ी नहीं ली, और शेक वगैरह कुछ है नहीं उनके पास, सैंडविच है और बाकी सब थाई फूड बर्गर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आ गए अपना चॉकलेट डोनट। पूरी सड़क पे घूम लिया लेकिन और कुछ तो मिला नहीं, ये हमको सैंडविच लेने पड़े आखिर में। यहाँ पे 15,000 में मिल जाते हैं सैंडविच, तो 4 ले लिए हमने ट्रेन में खाने के लिए, और फटाफट चल के जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि भाई टैक्सी आ गई है मेरे ख्याल से, 2:30 का टाइम था और अभी 2:40 हो रही है। और यहाँ से हमने वो मिठाई भी लिया है, लेकिन हर्षा भाई तो बहुत तेज़ भक्के जा रहे हैं, बैठ गए हैं टैक्सी में और बहुत भागा दौड़ी हो गई क्योंकि हम लोग वही खाना ढूंढने के चक्कर में लेट हो गए। और लिया वही आखिरकार में ये मिठाई जो आपको बताई थी अभी, और सैंडविच, और जरूरत में भाई ने शायद आइस टी या ऐसा ग्रीन टी ऐसा कुछ लिया। लेकिन अब हम जाने वाले वांग वियांग फाइनली, क्योंकि मेरे ख्याल से आधा घंटा लगता है यहाँ से ट्रेन स्टेशन जाने में, कि वहाँ से ट्रेन का मेरे ख्याल से कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि 3 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटा पता नहीं, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन 200 किलोमीटर है तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। और ये वाली गाड़ी है मेरे ख्याल से और भी लोग आने वाले हैं अभी इसमें।
फाइनली भाई पहुंच गए हैं यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे। बहुत दूर था यार, आपने देखा होगा कितने सारे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से। और अभी भी रेलवे स्टेशन इतना झक्कास रेलवे स्टेशन है, तो देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, और उसके अलावा इतना दूर है सिटी से कि आपको टैक्सी तो लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हॉस्टल से मिल जाए, होटल से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर भी हमको लगा कि हमारी प्राइवेट टैक्सी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे लोग भर भर के आए इसमें। और ये है बाकी पब्लिक, सब लोग पैसे दे के निकल रहे हैं। ये वाली गाड़ी आई थी हमको लेने के लिए, ये ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं। और इधर आप पहाड़ देखो भाई, सबसे पहले इतने सारे पहाड़, और यहाँ पे ये लिफ्ट, क्या मज़ा आता होगा वो लिफ्ट में। और इस तरफ है ये रेलवे स्टेशन, बहुत ही बढ़िया डेवलप कर रखा है यार इन्होंने लाओस के अंदर। मेरे ख्याल से ये सब चाइना का वजह से डेवलपमेंट है। दिस इज़ ऑल डेवलप्ड बाय चाइना, एवरीथिंग इज डेवलप्ड बाय चाइना, दैट्स व्हाई सब कुछ चाइना ने डेवलप किया है भाई। यहाँ का जो ट्रेन का नेटवर्क है ये वाला, देखो यार एरिया देखो तुम तो, लोकेशन देखो, इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा, इतना प्यारा लग रहा है, और एकदम अलग शहर से कितना दूर। और इधर सब चाइनीज़ में लिखा भी हुआ है भाई। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, मतलब थोड़ा बहुत घूम लिया, बिल्डिंग देख ली, लेकिन अभी अंदर जाने का टाइम आया नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे जो ओनर थे वो तो आए थे, हॉस्टल के जो ओनर थे वो आए थे, उनके साथ एक ग्रुप है, तो मेरे ख्याल से उनका एक गेस्ट हाउस भी है, तो वहाँ से वो ग्रुप को लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग हैं, मैं और हर्षा, तो हम लोग दोनों के दोनों अभी जाने वाले हैं, बस थोड़ी देर इंतज़ार कर, 4:15 की है यार। तो यहाँ पे भाई एंट्रेंस के लिए ये हमको टिकट और पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और बहुत देर टाइम पास करने के बाद अब हमारी इच्छा हुई कि चलो भाई चलते हैं अंदर, बैठ जाते हैं ट्रेन में जाके, क्योंकि पहले तो बिना पासपोर्ट के अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, टिकट दिखाना ही पड़ता है। अब जाते हैं अंदर भाई। बहुत बढ़िया बना हुआ है अंदर से देखो, इधर पासपोर्ट चेक कराना है, टिकट चेक कराना है भाई। सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पे मास्क लगाना पड़ रहा है, और वो हर्षवर्धन के पास मास्क नहीं था, तो उसको वापस से बाहर जाना पड़ा कहीं से, तो भी मास्क परचेज करके लाएगा, उसके बाद फिर उसको अंदर आने देंगे। पासपोर्ट देख लिया, टिकट देख लिया, और फिर अंदर आने दिया। फिर यहाँ पे बैग वगैरह पूरा स्कैन होता है, यहाँ पे पूरा बैग वगैरह आपका स्कैन होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। बस अब उनका इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे बैठने की जगह है वो भी दिखाता हूँ आपको। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है भाई, मेरे ख्याल से तो अनाउंस हो गया है, क्योंकि इंग्लिश भी है पर समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या बोल रहे हैं। तो अब सब लोग पहले बैठे हुए थे, और सबके सब उठ के यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, हम लोग भी लाइन में लग ही रहे हैं बस। आ चुके हैं भाई ट्रेन, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा। अभी देखो लाउड स्पीकर से कुछ बोल रहा है, यहाँ पर सब जगह नंबर लिखे हुए हैं, तो बस उसी नंबर के पास में जाना है। हमारे टिकट में 6 नंबर लिखा है, तो 6 वाले डिब्बे के पास जा रहे हैं। यही भाई हाथ में पासपोर्ट और टिकट, यहाँ पर सब जगह अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं,
अनाउंसमेंट हो रहा है यार, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। अच्छा हुआ जल्दी आ गया यार, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग बाहर बहुत देर तक टाइम पास कर रहे थे। बिल्कुल भी जगह ही नहीं है ट्रेन के अंदर, बहुत मुश्किल से अंदर घुसता है। जैसे ही हम लोग ट्रेन के अंदर घुसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और फिर गेट भी बंद हो गया यहाँ पे। तो ट्रेन चलने के 5-10 मिनट तक तो हम लोग खड़े हुए थे, 2-3 सीट छोड़ के आए, लेकिन इतने कन्फ्यूजन में कोई 7 नंबर का इधर आ गया, कोई 5 का इधर आ गया, उस चक्कर में बहुत टाइम लग गया। बैग रखने की भी जगह नहीं है यार यहाँ पे, बहुत ही छोटे छोटे क्या बोलते हैं शेल्फ है, तो बैग तो रख ही नहीं पाया। नीचे बैग रखा हुआ है, एक बैग इस तरफ रखा है और एक दूसरा नीचे रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा टनल में से ही है और एक घंटे की जर्नी है बस, एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। Running from all things at once without thinking twice, and I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. तो करीब 6:45 बज रही है अभी और अभी पहुंच चुके हम लोग वांग व्यांग स्टेशन पे। बहुत ज्यादा भीड़ है तो अंदर से ही बता देता हूँ कि अब बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं पूरे ट्रेन में, तो जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। उतर चुके हैं वांग व्यांग में, बहुत भीड़ है यहाँ, लेकिन नज़ारे बहुत बढ़िया है यहाँ से। और ये वाली थी हमारी ट्रेन, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी, ज़्यादा तो टूरिस्ट ही हैं लेकिन लोकल भी बैठे हुए हैं। और पूरे टाइम मास्क लगा के रखना पड़ा यार, पूरे टाइम। और ये है भाई लाओस चाइना रेलवे, अभी चाइना के साथ मिलके या लाओस के साथ मिलके चाइना ने नया पूरा नेटवर्क बनाया ये ट्रेन का, यहाँ से वियंटियन से लेके तो चाइना तक। ये आ चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन से बाहर, बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है वाला भी, लाइट वाइट लगी है तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। और अभी जो हमारे होस्टल के ओनर हैं वो ही गाइड कर रहे हैं कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, फिर रहने हैं तो अलग अलग वाले हैं, लेकिन मज़ा आ गया भाई यहाँ पे पहुँचते से। मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा, तो मेरे ख्याल से अभी एक ही गाड़ी में जाना पड़ेगा, उस टुक टुक में बैठ के जाना है अभी। फाइनली आ गए हॉस्टल में, वांग व्यांग फ्रीडम हॉस्टल है, बैकपैकर हॉस्टल है ये, और थोड़ा ठंडा भी मौसम है यहाँ पे और मज़ा भी आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने पे किया है करीब $19, रुपए में कितना होता है वो बताऊँगा आपको बाद में, लेकिन कार्ड से पे किया क्योंकि यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश होटल में जा रहा है, उसके बाद फिर खाने का। ये वाला थोड़ा बड़ा हॉस्टल दिख रहा है, देखो पीछे टेबल वगैरह भी है, हॉस्टल बाद में दिखाता हूँ, अभी थोड़ा थक गया हूँ मैं भी, जाके बैग वैग रखता हूँ, फिर थोड़ा बाहर जाएंगे तो शायद कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 2-4 दिन है हम लोग, कुछ ना कुछ मज़े करेंगे। अंधेरा बहुत है लेकिन दिखा देता हूँ, ये अच्छा वाला थोड़ा बड़ा रूम है और ये है मेरा बेड,
ये मेरे ख्याल से फ्रंट एरिया ही है यहाँ पे, तो सही जगह पे रुकना हुआ है। अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा कैमरे में, और इसी रूम में है हर्षा भाई वहाँ ऊपर। तो ये भाई हम लोग खाने के लिए आए हैं अभी, एक छोटा सा लाओ रेस्टोरेंट है, सब लोकल चीज़ें खा रहे हैं यहाँ पे। और ये है हमारे होस्टल के ओनर, इनके साथ ही घूमना हो रहा है। पता नहीं क्या क्या लाओ फूड आएगा यहाँ पे। Stories I've been told that never seem to leave my mind. On this road that I am on. ये आ गया भाई सारा का सारा खाना। पोर्क का ही सारी चीजें मंगाई इन्होंने, बहुत सारा पोर्क है, चावल है उसके साथ में, ये सूप जो दिख रहा है वो भी मेरे ख्याल से पोर्क का ही कुछ है, फिश या पोर्क श्योर नहीं है अभी। Use hand.